नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप धन ट्रेडिंग व्यू के अंदर किस तरीके से वॉच लिस्ट बना सकते हैं और फिर आप उसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम मैं आपको बता दूं कि वॉच लिस्ट की ज़रूरत क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक या फिर मल्टीपल शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो शेयर आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, तो इसीलिए आप उसको एक बार सर्च करके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जब भी आपको ट्रेडिंग करना रहे या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना रहे, तो आप उस वॉच लिस्ट में से जाके और उस शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि या फिर आखिर आप किस तरीके से वॉच लिस्ट बनाकर और उसको यूज या फिर मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, धन ट्रेडिंग व्यू के अंदर अगर आप वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं या फिर उसको मैनेज करना चाहते हैं या फिर आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है धन ट्रेडिंग व्यू। तो अभी मैंने सर्च किया और मैं इस पर क्लिक करूंगा और मुझे इसमें अभी लॉगिन हो जाना है। तो मेरे इसमें आईडी पासवर्ड पहले से सेव हैं, तो मैं लॉगिन हो चुका हूं। अभी आप देख पा रहे हो कि मैं इसके अभी होम पेज पर हूं। तो अभी आपको वॉच लिस्ट बनाना है या फिर आपको वॉच लिस्ट मैनेज करना है, तो सीधा आपको इधर क्लिक करना है। तो इधर ये इंट्राडे की अभी वॉच लिस्ट है, तो वो आपको दिख रही है और इसमें अभी ये दो शेयर भी पड़े हैं। अगर आपको कोई इसमें शेयर ऐड करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वॉच लिस्ट सबसे पहले बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट बनाने के लिए क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है। तो अभी हमारे पास एक ही वॉच लिस्ट है जिसका नाम है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अभी मुझे यहाँ पर न्यू वॉच लिस्ट बनानी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। न्यू वॉच लिस्ट का मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिया, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डिलीवरी ट्रेडिंग। तो मैंने इसका नाम डिलीवरी ट्रेडिंग या फिर आप इसका नाम डिलीवरी इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हैं। उसके बाद आप सेव करोगे तो ये आपकी दूसरी वॉच लिस्ट भी बन चुकी है। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको दो वॉच लिस्ट देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप और भी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक अपने नाम से या फिर मैं फेवरेट शेयर रख देता हूँ या फिर मैंने अपने नाम से इसको सेव कर दिया है। तो अभी आप नीचे देख पाओगे कि इसमें एक और वॉच लिस्ट बन गई है। अगर आप और भी वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल वॉच लिस्ट बना सकते हैं और आप इसमें 10 वॉच लिस्ट तक बना सकते हैं। तो ये एक ही नाम से बन गई है। अब मैं चाहता हूँ इसमें और वॉच लिस्ट बनाना, तो मैंने फिर से यहाँ पर क्लिक किया और मैं फिर से यहाँ पर एक बी के नाम से ही बना देता हूँ। तो आप यहाँ पर जितना भी नाम दोगे उतनी आपकी वॉच लिस्ट बनती जाएंगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किसी वॉच लिस्ट को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने ये वाला ऑप्शन खोला हुआ है, इधर ये वॉच लिस्ट आ रही है। तो इधर जब आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करोगे तो इधर ये क्रॉस का निशान आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये वॉच लिस्ट डिलीट होने के लिए रेडी हो चुकी है। अभी आप यस कर दोगे तो ये वाली वॉच लिस्ट डिलीट हो चुकी है। अब आप बी वाली वॉच लिस्ट को भी डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप इसी तरीके से सभी वॉच लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतनी वॉच लिस्ट बननी बची हुई हैं 3। अब आपको किसी भी वॉच लिस्ट में कोई शेयर ऐड करना है तो सिंपल आपको उस वॉच लिस्ट को ले लेना है। सिलेक्ट कर लिया आपने, अब आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कौन से शेयर को ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर रिलायंस को ही ले लेता हूँ। तो जब मैंने रिलायंस लिया तो यहाँ पर ये रिलायंस इंडस्ट्री आ चुका है, तो मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक किया और ये वॉच लिस्ट में जाके ऐड हो गया। आप देख सकते हो कि डिलीवरी में एक शेयर आ चुका है। अगर आप और भी किसी शेयर को ऐड करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेंट्रल बैंक, तो मैंने यहाँ पर सेंट्रल बैंक सेलेक्ट किया तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। प्लस वाले आइकन पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला शेयर भी ऐड हो चुका है। अभी आप देख सकते हो कि ये दो शेयर यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब आप किसी भी शेयर को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्रॉस वाले निशान पर क्लिक करोगे और ये रिमूव यहाँ से हो चुका है। इसी तरीके से अब मैं इसमें आपको और शेयर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर ये शेयर रख लिए हैं। अब दोस्तों, आप चाहते हैं किसी भी शेयर को क्रम से लगाना। फॉर एग्जांपल, आपने मान लीजिए इसमें 50 शेयर ऐड कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मैं इस शेयर को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो आप जब इस पर थोड़ा सा क्लिक करोगे तो इसको आप ऐसे करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो आपके जो भी फेवरेट शेयर हैं उनको आप इसमें ऊपर भी लगा सकते हैं और जब जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं जिस भी शेयर में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हैं। और अब आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जो आपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर डिलीवरी की खुली हुई है तो मैं यहाँ पर इंट्राडे के लिए लेता हूँ। तो अब आपको सिंपल उस शेयर पर क्लिक करना है, तो मैंने यहाँ पर ये स्विंग पर क्लिक किया तो सीधा का सीधा ये जो
ऑर्डर पैनल है तो वो इस साइड ओपन होके आ जाएगा, या फिर आपने इस पर क्लिक किया और आप फिर ऑर्डर पैनल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ओपन होके आ चुका है, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर ये जब आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस को ले लेता हूँ, तो जब मैंने रिलायंस लिया तो ये रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ पर आ गई है, तो आप यहाँ से भी इसको सेल कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सेम वही चीज़ मतलब कि ऑर्डर पैनल यहाँ पर भी खुल के आएगा, फिर यहाँ से आप इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब वॉच लिस्ट बनाना कितना सिंपल था तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका धन में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन करना नहीं आता है, आपको डीमेट अकाउंट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने फुल प्रोसेस बताया डीमेट अकाउंट ओपन करने का, तो अभी जाइए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, धन में अपना डीमेट अकाउंट बनाइए और इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए धन के साथ। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।